Yes, good morning, students. Before vacation or in your extra classes, I have discussed from Russian Revolution the following topics we have covered. Causes of Russian Revolution we have covered. Then incident of 1905, Bloody Sunday. Then impact of First World War on Russian economy, how people suffered and they brought revolution. And in the year of 1917, two revolution occurred, February Revolution and October Revolution. February Revolution by Menshevik political party, Kerensky became the prime minister, and after February Revolution, Lenin came in the country. He brought another revolution. He opposed Kerensky's policies and Menshevik, and his party belonged to his part. The name of his party was Bolshevik Party. And after the Kerensky, Lenin, he implemented April thesis. The promises he made with the people before October Revolution, after becoming the representative of the country, he fulfilled all the April thesis points. And the policies of Lenin, these are also called April thesis. ठीक है, ये हमने किया था कि अक्टूबर में क्या क्या चेंजेस आए, लेनिन कौन कौन से चेंजेस लेकर आया, सीक्रेट पुलिस अपॉइंट की, सेंसरशिप लगा दी. इट मीन्स हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर किया. क्लियर? इज इट ओके अंशिया? यस, कीप अ माइक ऑन. नाउ इट इज ऑडिबल. नाउ इट इज ऑडिबल. वी हैव कवर्ड टिल नाउ. We have covered these topics. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Thank you. Yes, another student, any other? Gurpal. Yes, beta, keep your mic on. Gurpal. Yes, ma'am. Now it is audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Haanji. Now, after Lenin, yani ki jab Lenin ki death hui, 1924. ठीक है, 1924 के बाद रशिया की कमांड, सेम पार्टी वाज द सेम बोल्शेविक, हु टुक अप कमांड ऑफ बोल्शेविक पार्टी, स्टालिन. तो नाउ टुडे वी विल डू द स्टालिन पॉलिसीज. स्टालिन की पॉलिसीज क्या थी और स्टालिन ने सोशलिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग किया. सोशलिज्म, रशिया सबसे पहले कंट्री थी जहां पे सोशलिज्म आया. सोशलिज्म का मेन मोटिव क्या है? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि लोगों की डिमांड थी, बिकॉज एट दैट टाइम बिफोर 1905 दे वर अंडर ऑटोक्रेटिक रूल. बट लेनिन ही ब्रॉट सोशलिज्म. उसने जितनी भी प्राइवेटाइजेशन थी खत्म कर दिया, नेशनलाइज कर दिया बैंक्स को, लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ही वॉज एबल टू क्लोज द वॉर. और वॉर खत्म हो जाने के बाद लेनिन, फेब्रवरी और के बाद का टाइम जो था, अक्टूबर के बाद का टाइम, उसके बाद 1917 से लेकर 1924 तक लेनिन की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, सम वर पॉजिटिव एंड सम वर नेगेटिव. ठीक है, और इन द मीन टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि लेनिन ने कंट्री में डेवलपमेंट की, क्योंकि नाउ द सोर्सेज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. लेनिन की डेथ के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, स्टालिन ने सोशलिज्म का जो प्रोग्राम है इसको आगे और कैसे एनलार्ज किया, एक्सपैंड किया. ठीक है, और उसकी इस पॉलिसी को बोलते हैं बच्चे स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन. ठीक है, तो आपने लेनिन की पॉलिसीज और स्टालिन की पॉलिसीज को मिक्स नहीं करना. लेनिन की पॉलिसीज हैं अप्रैल थीसिस और स्टालिन की पॉलिसीज जो है उसको कहा जाता है कलेक्टिवाइजेशन. अब यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या, हम कर रहे हैं टॉपिक स्टालिन पॉलिसीज. सबसे पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए कलेक्टिवाइजेशन. इसको ये भी कहा जाता है स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी. कलेक्टिवाइज, इसको कलेक्टिवाइज करना लैंड. क्यों? जब लैंड को कलेक्टिवाइज करेंगे, ऐसे पॉइंट्स याद रखो एग्रीकल्चर के लिए, अगर तो स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स होंगे तो प्रोडक्शन कम होगी, अगर बिग साइज ऑफ प्लॉट्स होंगे, फार्म्स होंगे, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी. सो दैट्स व्हाई स्टालिन ही टुक द
इनिशिएटिव टू कलेक्टिवाइज लैंड ऑन लार्ज स्केल. इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इंक्रीज. इसका मेन मोटिव क्या था? टू इंक्रीज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स. यानी कि रशिया में जितने भी फार्म थे उनको फार्म साइज को बड़ा करना ताकि एग्रीकल्चर जो है वो लार्ज स्केल पे हो. टू स्टॉप फूड शॉर्टेज इन द कंट्री. क्योंकि उस टाइम पीरियड में फूड शॉर्टेज. ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमिक फैक्टर है इसके लिए कि जब कंट्री में फूड शॉर्टेज होती है तो फूड शॉर्टेज को दूर करने के लिए स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन जो है उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया. तो ये अल्टीमेटली हमने ये बताना है क्योंकि फूड शॉर्टेज के कारण क्या होता है, प्राइजेस बहुत हाई थे, तो हाई प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए उसने लैंड को कलेक्टिवाइज करना शुरू कर दिया. सेकेंड फिर आप बताओगे, ही पुट रेट ऑन गुलाम्स. यहाँ पे दो वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए. रेड का मतलब क्या होता है? गुलाम्स कौन थे? रेड. सबसे पहले आपने रेड वर्ड सुना होगा. आज के टाइम पीरियड में जैसे हम कहते हैं ना इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रेड, इनकम टैक्स की जो रेड पड़ती है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ताकि उनकी मनी उनके अकाउंट्स को चेक किया जाए कि वहां पे ब्लैक मनी तो नहीं. इसी तरह से स्टालिन ने भी उस टाइम पीरियड में जो कुलैक्स थे उनके स्टोर हाउसेस और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेड किया. इंस्पेक्शन का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना. तो अब ये कुलैक्स कौन थे? कुलैक्स बहुत इजी वर्ड है सुनने में, आपको लगेगा कुलैक्स कौन थे? कुलैक्स, कुलैक्स वर वेल टू डू पीजेंट्स ऑफ रशिया. आपको पता होगा कि रशिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी. वेल टू डू मीन्स रिच, रिच पीजेंट्स जिनके पास बिग स्टोर हाउसेस, यानी कि बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे इनके पास. अब ये स्टोर हाउसेस में स्टोर क्या करते थे? ग्रेन. ठीक है, ये ग्रेन स्टोर करते थे और इनमें से बहुत से ऐसे कुलैक्स थे वो ग्रेन को इसलिए स्टोर करते थे ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो क्रिएट की जाए. बच्चे, जब मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है ना तो प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों के पास जो है वो सप्लाई नहीं होती और वो डिमांड, जितनी डिमांड ज्यादा करेंगे सप्लाई कम होगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे. तो बहुत से ऐसे कुलैक्स थे जो ग्रेन जो था वो स्टोर करके रखते थे इन फ्यूचर, ताकि इन फ्यूचर अगर प्राइस और बढ़ेंगे तब वो अपना ग्रेन मार्केट में बेचे टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट. और जब सभी लोग ऐसा करेंगे मार्केट में आर्टिफिशियल जो है वो शॉर्टेज क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली पुअर पीपल विल सफर. तो स्टालिन ने इन कुलैक्स को रेड किया, इनके स्टोर हाउसेस को चेक किया, इनके पास अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड स्टॉक, एंड दैट ऑल वाज डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट. जैसे आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन में जब लोगों के पास रुपीज, रुपी कन्वर्ट किए, नोट्स बंद कर दिए थे, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास ब्लैक मनी थी एंड यू नो दे नोइंगली डिस्ट्रॉयड देयर मनी. क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट को शो करते तो इनकम टैक्स जो है उन पे रेड कर सकते थे और जब इनकम टैक्स की रेड होती है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है क्योंकि आपकी मनी जो है वो व्हाइट मनी होनी चाहिए ना कि ब्लैक. इसीलिए उस टाइम पीरियड में बहुत से ऐसे कुलैक्स थे जिनके घरों में, जिनके स्टोर हाउसेस में रेड किया. ये कौन थे? वेल टू डू पीजेंट्स. और काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि स्टालिन ने इनकी एक्टिविटीज को स्टॉप किया और बहुत सा ग्रेन जो था दैट ग्रेन वॉज टेकन फ्रॉम कुलैक्स and given to poor peasants in the proper by implementing proper planning system. Third, coal holes. ये word याद रखना आपने, coal holes, kulaks and coal holes. जब भी Stalin collectivization program, जब भी आपको आपके mind में आएगा ये दो word अच्छी तरह से याद रखो, kulaks and coal holes. Kulaks कौन थे? Well to do peasants. Coal holes क्या थे? अब ये कोल खोज क्या थे? मैंने आपको बताया कि कलेक्टिवाइज करने के लिए स्टालिन ने साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो थे उनको बढ़ा दिया. अब उनके ऊपर एग्रीकल्चर कैसे होगी? कैसे उनके ऊपर जो है प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम,
जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। तो ऐसे जो बड़े बड़े फॉर्म्स थे इनको क्या कहा गया, कोलखोज। कोलखोज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फॉर्म्स, यानी कि ऐसे फॉर्म्स, ऐसे खेत जो प्राइवेट नहीं होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। यानी कि रशिया में अलग अलग विलेज एरियाज में, अलग अलग एरियाज में बहुत से कोलखोज बने। कोलखोज का मतलब क्या है, कोलखोज का सिंपल मतलब क्या होता है, स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फार्म्स, यानी कि ऐसे खेत जिनको कौन कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट पेमेंट विल बी गिवन टू फार्मर्स। और इससे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना किसी को वेजेस कम मिलेंगे ना ज्यादा मिलेंगे। प्रोडक्शन जो है कंट्री में जिस चीज की कमी है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है जो भी इसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, कोलैप्स होते थे, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करवाते थे, उस टाइम पर गवर्नमेंट को इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बट नाउ Stalin, with the help of collectivization program, he controlled agriculture system in the country. तो ये उसका एक main feature है, कोलखोज। ठीक है, next, इसके बाद और Stalin ने क्या introduce किया, planning system। आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में भी हमने planning system, 1 year plan, 5 year plan लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अल्टीमेटली इन प्लान्स को लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लान्स फॉर 1 year, लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर 5 year। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं कंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। लॉन्ग टर्म प्लान जैसे एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट सारी इन्वेस्टमेंट वहां करती है। सपोज गवर्नमेंट का मोटिव है कि 1 year यानी कि फर्स्ट ईयर में हम एग्रीकल्चर पे कंसंट्रेट करें, सेकंड ईयर में हम इंडस्ट्री में कंसंट्रेट करें, थर्ड ईयर में हम एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें, फोर्थ ईयर में हम रेलवे पे कंसंट्रेट करें, फिफ्थ ईयर में हम रोड्स पे कंसंट्रेट करें, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। तो स्टालिन ने भी ऐसे ही रशिया में प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम जो है वो बनाया, और ये प्लानिंग सिस्टम जो है बहुत फेमस है। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से प्लान बने, और बहुत से प्लान्स के कारण रशिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था दैट वाज डेवलप्ड। अच्छा, कोलखोज की जब हम बात करते हैं ना, तो कोलखोज में आपने एक और भी पॉइंट बताना है, मेनी फार्मर्स दे वर नॉट विलिंग टू डू एग्रीकल्चर इन द कोलखोज एंड दे वर अरेस्टेड। जो जब लोगों को कोलखोज में काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया, तो मैनी वर नॉट इंटरेस्टेड एंड सम ऑफ द फार्मर्स दे वर नॉट इन पोजीशन टू शेयर देयर लैंड लाइफ स्टॉक। अब उस टाइम पर मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि सपोज अगर हम उस टाइम की एक फैमिली के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस टाइम में फैमिली जो कोलखोज की फैमिली होगी, उनके पास जितने भी एक्स्ट्रा मशीनरी, जितने भी एक्स्ट्रा लाइफ स्टॉक, जितने भी एक्स्ट्रा लैंड थी, दैट वॉज डिक्लेयर एज अ गवर्नमेंट। अब कईयों ने क्या किया, अपने लाइफ स्टॉक्स को नोइंगली दे किल्ड देयर लाइफ स्टॉक्स एनिमल्स, क्योंकि उनको ये था कि अगर हमारे नंबर ऑफ एनिमल ज्यादा होंगे तो हमें गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो सम पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर देयर प्रॉपर्टी विद द गवर्नमेंट, सो एट दैट टाइम मेनी पीपल दे वर पनिश्ड। तो अब यही चीज है ना कि स्टालिन की पॉलिसीज में सम वर पॉजिटिव एंड सम वर नेगेटिव आल्सो, मेनी पीपल दे रेसिस्ट द पॉलिसी। बहुत से लोग का ये मानना था कि उन्होंने जो भी कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया, और फैमिली के नंबर ऑफ जो है मेंबर्स के अकॉर्डिंग अगर उनको उतनी ही लैंड मिलती है, बाकी लैंड गवर्नमेंट को दी जाएगी, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। सो दैट्स व्हाई दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एग्रीकल्चर इन स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स। और जो प्राइवेट एग्रीकल्चर करते थे उनको या तो जैसे हम कहते हैं कि पनिशमेंट दी जाती थी, या उनसे एक्स्ट्रा मनी ली जाती थी। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑन द होल ईच एंड एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड यू नो बाय 1939 2 million पीपल दे अपोज दिस पॉलिसी एंड मेनी वर पुट इनटू लेबर कैंप्स आल्सो। उनको लेबर कैंप्स में भेज दिया गया लेबर करवाने के लिए, जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज कर रहे थे।
तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम था या डिक्टेटरशिप सिस्टम था या लेनिन की पॉलिसीज थी या स्टालिन की पॉलिसीज, मेनी पॉइंट्स पर पॉजिटिव बट सम पॉइंट्स पर इवन नेगेटिव आल्सो, ठीक है। इसके अलावा और पॉजिटिव भी था स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब जो लोग पीजेंट्स थे या फैक्ट्रीज में काम करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, इनके लिए एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी एडल्ट मींस अबव द एज ऑफ 18, जो लोग अपने टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे उनके उपाय होंगे, उनके लिए इवनिंग में स्कूल्स स्टार्ट किए गए टू गिव देम एजुकेशन, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किए गए। जो वर्कर्स इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, कोलखोज में काम करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर उनमें काम करते थे, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया था, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर, उनके लिए क्रेच फैसिलिटी दी गई, ताकि जो उनकी मदर्स हैं वो इन फैक्ट्रीज में काम करें और उनके बच्चों को प्रॉपरली गवर्नमेंट जो है वो केयर मिले। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टालिन ने वर्कर्स की कंडीशंस, पीजेंट्स की कंडीशंस और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की, और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया, बैंक्स वर नेशनलाइज, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, सारी करेंसी जो है कंट्रोल वो गवर्नमेंट के हाथ में, और इस तरह से स्टालिन वॉज एबल टू एनलार्ज टू इंक्रीज द सोशलिज्म मेजर्स इन द कंट्री, ठीक है। और यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन, यानी कि हमने रशिया का सारा जो टॉपिक है वो कॉजेस से लेकर स्टालिन जो कलेक्टिवाइजेशन तक है वो सारा पढ़ा। इन बिटवीन आपके बच्चे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है आपका सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या हुई और सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? इसमें बच्चे सिविल वॉर मींस वर्ल्ड वॉर और सिविल वॉर में क्या फर्क होता है? वर्ल्ड वॉर होती है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और सिविल वॉर होती है इन द कंट्री बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स मे बी ऑन रिलीजियस बेसिस, कम्युनिटी बेसिस, और मे बी ऑफ आइडियोलॉजी बेसिस, तो आइडियोलॉजी भी लागू होती है। तो इस तरह से रशिया में ना कुछ ग्रुप्स बन गए जब लेनिन का टाइम था, ठीक है, लेनिन के बाद करेंसकी का टाइम, फिर स्टालिन का टाइम, तो लोगों के अलग अलग ग्रुप्स थे, उनके अकॉर्डिंग लोगों ने अपने अपने फ्लैग्स का कलर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। बोल्शेविक्स रेड, कलर ऑफ फ्लैग रेड, बोल्शेविक जो लेनिन के सपोर्टर, ठीक है, देन नॉन बोल्शेविक्स यानी कि जो ऐसे लोग जो लेनिन की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो जार की पॉलिसीज को भी सपोर्ट नहीं करते थे, दे वर कॉल्ड ग्रीन ट्रूप्स, यानी कि उनके फ्लैग का कलर था ग्रीन। देन थर्ड प्रो जारिस्ट, प्रो जारिस्ट मींस सपोर्टर ऑफ जार, जो कंट्री में कंजर्वेटिज्म लाना चाहते थे, कंट्री में मोनार्की सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, उनका कलर क्या था? व्हाइट। तो ये सिविल वॉर में अलग अलग ग्रुप्स थे, सम पीपल दे लाइक लेनिन पॉलिसीज, सम वर अगेंस्ट बट दे वर नॉट लाइकिंग मोनार्की, एंड सम वर टोटली सपोर्टर्स ऑफ जार, जो जार जैसा रूल वापस लाना चाहते थे। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में ये सारा जो था अल्टीमेटली ये सोशलिज्म को रोकना चाहते थे, ये सोशलिज्म के अगेंस्ट। और आपको पता है इनको फॉरेन कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल रहा था, बहुत सी ऐसी फॉरेन कंट्रीज थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी, फंड्स प्रोवाइड कर रही थी। और इस तरह से कंट्री में सिविल वॉर कंडीशन हुई, मैनी पीपल दे अटैक्ड ऑन ईच अदर, जब भी जो मार्केट एरियाज थे उन एरियाज में ये अपने रैलीज करते थे, जिस रैली में रेड कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता था तो वो बोल्शेविक सपोर्टर, ग्रीन मींस नॉन बोल्शेविक, प्रो ज़ारिस्ट मींस वाइट सपोर्टर्स,
एंड ये जो प्रोसेस था वो काफी देर तक चलता रहा, बट इन द एंड लेनिन ही टुक कंट्रोल, उसने इसको कंट्रोल किया, सिविल वॉर को कंट्रोल किया। और लेनिन का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में उसने क्या किया, 1922 में रशिया का नाम चेंज किया USSR। तो आपने कई मैप में जब आप वर्ल्ड मैप फिल करते हो तो उसमें कई बार आपने रशिया की जगह USSR भी पढ़ा होगा। 1922 में रशिया को रीनेम किया गया USSR, ठीक है। USSR का मतलब क्या है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, ठीक है। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि लेनिन ही कंट्रोल द सिविल वॉर एंड 1922 तक उसने ये जितने भी ग्रुप से उनको कंट्रोल किया। तभी मैंने कहा था कि सेंसरशिप लगाई उसने। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि जो भी उनको अपोज करते थे दे वर पुट इनटू प्रिजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज टेकन। तो कई बार क्या होता है डेमोक्रेटिक आइडियाज में जब अपोजिशन पार्टी या बाकी ग्रुप्स जो हैं वो रूलर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को अपोज करते हैं, तो कई बार जो रूलर्स हैं वो सेंसरशिप लगा देते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकर लोगों की फ्रीडम को बंद कर देते हैं। ऐसा ही रशिया में हुआ। तो हमने रशिया में 3 मेन टाइम पीरियड्स पढ़े हैं, टाइम पीरियड ऑफ जार निकोलस, टाइम पीरियड ऑफ केरेंस्की एंड टाइम पीरियड ऑफ लेनिन, और लेनिन के साथ ही हमने पढ़ा स्टालिन, ठीक है। तो ये सारा जो था वो रशियन रेवोल्यूशन की जर्नी थी जो हमने कंप्लीट की कॉजेस से लेकर। तो अब इसके बाद स्टार्टिंग का जो टॉपिक है, जैसे ही आप चैप्टर जो है बच्चे आप चैप्टर फर्स्ट पेज आप ओपन करते हो तो उसमें एक हिस्ट्री दी गई है जिसमें बताया गया कि सोशलिज्म जो था कंट्री में इसको ये फेमस कैसे हुआ। मैंने आपको ये कहा कि सोशलिज्म कंट्री में आना बहुत जरूरी था क्योंकि पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द ज़ार रूल, सो दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड दिस सिस्टम, लेनिन ही सपोर्टेड। तो सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में अलग अलग ग्रुप से, ये हमने मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ छोटा सा टॉपिक है लेकिन अब हम इसको डिटेल में करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप। क्योंकि आपका चैप्टर का हेडिंग क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, तो हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और उसके बाद लेकिन रशिया में ही सोशलिज्म इंप्लीमेंट हुई, तो यूरोप में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या अलग इसके अलावा कोई और भी ग्रुप्स थे? यस, देयर वर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले आपको ग्रुप्स बताने चाहिए, नंबर 1 लिबरल्स, नंबर 2 रेडिकल्स, ठीक है, नंबर 3 कंजर्वेटिव, नंबर 4 सोशलिस्ट, नंबर 5 कैपिटलिस्ट, ये अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग आइडियाज। तो यूरोप में 19th सेंचुरी के नियर अबाउट ये आइडियाज बहुत फेमस हुए और अलग अलग ग्रुप्स भी बने। लिबरल्स, सबसे पहले लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स वर दोज पीपल हु सपोर्टेड डेमोक्रेटिक आइडियाज बट दे अपोज डायनेस्टिक कंट्रोल, यानी कि वो डायनेस्टिक कंट्रोल यानी कि मोनार्की को अपोज करते, ठीक है। बट मेन इसका पॉइंट आपने याद रखना है, दे वर नॉट इन फेवर टू गिव वोटिंग राइट्स टू विमेन, मींस डिडंट सपोर्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। लिबरल्स का मतलब होता है द पीपल हु अपोज्ड मोनार्की रूल एंड दे सपोर्टेड डेमोक्रेटिक आइडियाज। सेकंड थे रेडिकल्स, रेडिकल्स के बाकी सारे पॉइंट लिबरल्स की तरह थे बट रेडिकल्स दे सपोर्टेड विमेन राइट्स, यूनिवर्सल का मतलब होता है टू ऑल, वोटिंग शुड बी गिवन टू ऑल, सपोर्टेड विमेन राइट्स, सफरेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राइट टू मूवमेंट जिसमें प्रिविलेजेस बंद किए गए और विमेन को प्रॉपर जो है वो हाईलाइट किया गया, दे वर इन ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गिव विमेन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द सोसाइटी। थर्ड ग्रुप थे कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कौन थे, सपोर्टेड मोनार्की,
ये चाहते थे कि कंट्री में स्लो चेंजेस होने चाहिए, स्लो चेंजेस, एकदम से गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए, स्लो चेंजेस, दे रिस्पेक्टेड मोनार्की और जार गवर्नमेंट, वो जार गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करते थे, दे वांटेड टू बी अडॉप्ट सेम सिस्टम अगेन, ठीक है। अब आता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कौन, सोशलिस्ट दे बिलीव इन द सिस्टम वेयर प्रोडक्शन और ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज जो हैं, दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल, सोशलिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सोशलिस्ट का मतलब है, वर्ड है सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन के पास पावर ना हो, रिसोर्सेज शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, रिच एंड पुअर, ठीक है। एंड सोशलिज्म जो ग्रुप था, यानी कि जो लोग सोशलिस्ट थे, दे अपोज प्राइवेट अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, इनका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्सन के पास अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। सो अल्टीमेटली हम यही कहते हैं कि यही थिंकिंग जो है वो रशिया में सोशलिज्म जो है वो लेनिन और स्टालिन ने इसको थिंकिंग को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया। तो रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर दिस सोशलिज्म वॉज इम्प्लीमेंटेड। इसके बाद है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, means of production in which all the important industries are under the control of private people, जहाँ पे government control नहीं होता, private people का मतलब private, जैसे czar के time period में थी, ठीक है, capitalist economy थी, तो बड़ी बड़ी industries private लोगों के हाथ में थी, so that's why at that time workers suffered a lot, workers जो है वो बहुत suffer करते। profit की बात की जाए तो socialist economy जो है वो profit motive नहीं होता, इनका main motive क्या है, सोशल वेलफेयर, और इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट, क्लियर। तो आगे हम कल सोशलिज्म, हम ये टर्म जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि रशिया में सोशलिज्म और यूरोप में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड।